नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव्स म्यूजिक एकेडमी चैनल में। सबसे पहले आप सभी लोगों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो है लेसन नंबर फोर, जो हम बांसुरी की सीरीज स्टार्ट किए थे कुछ हफ्ते पहले। 3 वीडियोज़ में उनकी डाल चुका हूँ, जिसमें हमने बांसुरी पर ब्लो करना यानी कि बांसुरी से आवाज़ निकालना सीखा, और एक ही नोट पर हम 2 स्वर कैसे निकालें यानी कि मीडियम ऑक्टेव और हाई ऑक्टेव में 2 स्वर कैसे निकालें, वो भी हमने सीखा। और हमने सीखा जो बांसुरी का कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, वो हमने सीखा। तो अगर आपको इन तीनों में से किसी में भी कोई दिक्कत है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप तीनों लेसन अभी तक के जो मैंने बनाए हैं वो भी देख सकते हैं। ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बांसुरी से रिलेटेड व्यक्ति हैं, ठीक है, या फिर जो बांसुरी आगे चल के सीखने का सोच रहे हैं या फिर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए बेसिक वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे। एक तो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे बांसुरी का कि सरगम कैसे निकलती है, और सीखेंगे सरगम कैसे बजाएं, ठीक है दोस्तों। उसका एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता, वो सिर्फ चीज़ों को रट लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और फिर आपकी प्रैक्टिस से वो चीज़ अच्छी हो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 6 होल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने यहाँ पर कुछ एरो बनाए हुए हैं, जैसे ये अपना हो गया ब्लोइंग होल, जहाँ से हम फूंक मारेंगे, ठीक है, ये वाला होल। ये 6 हैं जहाँ पर हम अपनी उंगलियाँ रखेंगे, जैसे ये 6 होल हुए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मैंने 3 उंगलियाँ ऐसे रखी। तो इस 3 पे मेरी लेफ्ट हैंड की उंगलियाँ आएंगी, और बाद के 3 वालों पर मेरी राइट हैंड की उंगलियाँ आएंगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो एरो लगे हैं, इसका मतलब समझिए पहले आप। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब मैं इस होल से इस होल पर आऊँगा तो प्लस टू मतलब कि 2 नोट्स का गैप। आप फिर से समझिए, जैसे यहाँ पर मैंने नोट्स लिखे हैं, सा, रे कोमल, रे शुद्ध, ग कोमल, ग शुद्ध, म तीव्र, प, ध कोमल, ध शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध। ये हमारे 12 स्वर हुए, ठीक है, 12 नोट्स हम इनको बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं इस होल से इस होल पर आऊँगा, ठीक है, यानी कि ये देखिए ब्लोइंग होल, सबसे उसके पास ये वाला होल, तो जब मैं या तो मैं इसको ओपन रखूँ, ठीक है, या फिर इसको क्लोज करके करूँ, ठीक है। तो जब मैंने मान लीजिए इसको क्लोज किया, तो अब साउंड निकाल के देखिए हम, अब फिर मैंने क्या कहा कि इस होल पर जब हम आए सेकंड होल पर, फिर ये इसको मैं रख देता हूँ एक मिनट के लिए, तो अगर आपका ये नोट आपने जो भी इसको माना है, तो उससे जब आप प्लस टू की तरफ जाएंगे तो ये आएगा, ठीक है, पीछे की तरफ, क्योंकि हम हाई से लो की तरफ आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, मतलब कि पतली आवाज़ से मोटी आवाज़ की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये मेरा ग नोट है, ठीक है, ग नोट है, तो ये कौन सा हुआ, रे शुद्ध। अगर ये ग शुद्ध है तो ये रे शुद्ध, ठीक है, प्लस टू हुआ ना, क्योंकि ग शुद्ध के बाद एक आएगा हमारा ग कोमल, फिर आएगा रे शुद्ध, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो इसीलिए कि अगर मैं 3 होल्स को कवर करके साम आना है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि प्लस टू का, चाहे मैं इधर आऊँ, चाहे मैं आगे जाऊँ, चाहे मैं पीछे जाऊँ, प्लस टू का डिफरेंस है। तो अगर मैं इन तीनों को साम आनता हूँ, तो देखिए जब मैंने एक उंगली हटाई तो 2 नोट्स का डिफरेंस आ गया। 2 नोट्स कौन से हुए, जैसे मैंने 3 को साम आना, तो फिर एक को छोड़ के रे शुद्ध पर आए, ठीक है। तो हमने 3 होल्स को जब दबाया था, तब सा निकलेगा उस फ्लूट का, उस स्केल का, और फिर जब मैंने एक उंगली हटाई तो रे शुद्ध निकलेगा। अब इन सा और रे शुद्ध के बीच में एक रे कोमल भी आता है, तो वो हम जंप ले रहे हैं, ठीक है। आपको ये बात समझनी है कि देखिए, सा और रे शुद्ध के बीच में रे कोमल आया, रे शुद्ध और ग शुद्ध के बीच में ग कोमल आया, तो ये बात, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही म शुद्ध और प के बीच में म तीव्र आया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और उसी तरह से यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जैसे कि जब आप तीसरे होल से चौथे होल पर जाएंगे तो उसमें सिर्फ प्लस 1 का गैप है। जैसे ये देखिए 3 होल्स कवर किए, अब मैं आऊँगा 4th होल पर,
तो इसमें किसी भी नोट का गैप नहीं है, यानी कि अभी तक हम एक एक नोट छोड़ रहे थे, तो जब मैं तीसरे से चौथे होल पर आऊंगा तब नहीं छोड़ना है। तो यानी कि अगर ये मेरा सा हुआ तो सा से सिर्फ एक जस्ट पहले कौन आता है, नी शुद्ध, ठीक है, तो ये नी शुद्ध हो जाएगा पिछली वाले ऑक्टेव का। सुनिए, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अगर ये सा हुआ तो ये नी शुद्ध हो गया। अब ये नी शुद्ध है तो मैं एक पीछे की तरफ जा रहा हूं, ये ध्यान से देखिए, यहां से फिर मैं गया फिर से प्लस टू, तो नी शुद्ध से प्लस टू करेंगे तो धा आ जाएगा, यानी कि हमने नी कोमल को छोड़ा। तो इस तरह से जो बांसुरी है उसका कॉन्सेप्ट होता है। तो इसलिए जब हम तीन होल्स को कवर करके सा मानते हैं तो सरगम कैसे बजाते हैं, ध्यान से सुनिए। सरगम मतलब थाट बिलावल में, ठीक है, सबसे हम मेजर स्केल की बात कर रहे हैं सबसे पहले, ताकि वो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो जो बाकी के थाट हैं वो सब रिलेटिव ही होते हैं, कि मेजर में हमने सारे शुद्ध यूज किए, बाकी के थाट में किसी में कोमल, किसी में तीव्र, किसी में दोनों का कॉम्बिनेशन, ऐसे करके थाट बनते हैं, तो वो भी हमको समझ में आ जाएंगे। तो एक बार हम तीन होल्स को कवर करके सरगम बजाते हैं, ये सा, ये रे, रे शुद्ध, ये ग शुद्ध, ये म शुद्ध, ठीक है। म शुद्ध पर आपको अनुमानित 20%, 20% आपको ये होल खुला रखना है, ठीक है, जो सबसे कॉर्नर वाला होल है उसको खोलना है, और अगर आप पूरा खोल देंगे तो वो होगा म तीव्र, ठीक है, सा रे ग सारे खोल दिए तो म तीव्र, ठीक है, और अगर मैं 20% खोला, 20 से 25%, तो वो म शुद्ध, ठीक है, म शुद्ध। फिर प पर सारे क्लोज, ये प, ये ध, ये नी और ये सा, अभी मैंने सारे शुद्ध स्वर यूज किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने कई लोगों से सुना होगा और आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग सरगम सारे होल्स कवर करके बजाते हैं, मतलब कि वो सभी होल्स को कवर करके सा मानते हैं। वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है, उसमें एक मतलब एक बाइंडेशन है जो आप नहीं कर सकते, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको सुना देता हूं कि अगर मैं सारे होल्स को कवर करके सा मानता हूं तो सरगम कैसे बजेगी। तो सबसे सरगम सिंपल होती है जब हम सारे होल्स को कवर करते हैं, जैसे अगर मैंने इस नोट को सा माना है सभी होल्स को कवर करके, तो फिर बस आपको क्या करना है कि एक एक उंगली हटाते जाना है, ठीक है, तो वो आपकी सरगम बच जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं सारे होल्स को कवर करके एक होल हटाया तो सा के बाद रे शुद्ध आएगा, ठीक है, रे कोमल हट गया, ऐसे ही रे शुद्ध के बाद ग शुद्ध आएगा, ग कोमल हट गया, ग शुद्ध के बाद ये हमारा ग शुद्ध हुआ और ये म, ठीक है, ग शुद्ध के बाद सीधे म शुद्ध आता है, उन दोनों के बीच में कोई नहीं आता, वही चीज मैंने आपको यहां पर बताई थी कि सिर्फ प्लस वन का गैप करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो एक बार हम सारे होल्स को कवर करके सा मानते हैं। ये हुई सरगम, सारे होल्स को कवर करके मैंने सा माना। तो इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आप इसमें लो ऑक्टेव के स्वर नहीं बजा पाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सा आपने सारे होल्स को कवर करके मान लिया तो फिर आपकी एक ऑक्टेव खत्म होगी, फिर उसके हाई में जाएगा, जैसे ठीक है, तो आप जो मीडियम ऑक्टेव से आपने स्टार्ट किया था तो आप लो ऑक्टेव में नहीं जा सकते, ये इसका नुकसान होता है। तो इसलिए हम जो रेफरेंस है, जो सा है, वो तीन होल्स कवर करके मानते हैं, ताकि हम लो ऑक्टेव में भी जा पाएं और हाई ऑक्टेव में भी जा पाएं। लो ऑक्टेव में कैसे जाएंगे, ये हुआ सा, फिर नी धा प, ये हम लो ऑक्टेव में गए, ये हम हाई ऑक्टेव में गए, और मीडियम ऑक्टेव तो हमने बजाया ही था। तो ये कारण होता है कि हम तीन होल्स को सा क्यों मानते हैं कवर करके, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं आपको हेल्प करूंगा, जो नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
और अगर आपने लेसन्स नहीं देखे हैं पहले के तो वो आप देखिए, कंटिन्यूशन में रखिए। और आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आप 3 होल्स को कवर करके सरगम बजाइए और सभी होल्स को कवर करके सरगम बजा के देखिए, ठीक है। आपको सरगम आ जानी चाहिए नेक्स्ट लेसन तक, ठीक है। अगले हफ्ते मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट लेसन डालने की ताकि आप कंटिन्यूशन में रह पाएँ। तो ये आपको होमवर्क करना है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। और आप यूं ही प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सीखना चाहते हैं। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली ही वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।